हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते बढ़ते अपने 26वें दिन की ओर आ चुके हैं और आज हम टाइम टेबल के हिसाब से एक जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन उठाएंगे जो कि जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर के क्वेश्चन से संबंधित होगा। तो आज आप देखने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे पहले बता दूं कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली बात जो कि स्ट्रक्चरिंग हम करते हैं और ये हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है हर तरह के प्रश्नों पे। दूसरा, जिन कीवर्ड्स का हम यूज़ करते हैं जीएस पेपर 3 में, यानी जब मैं आपसे कुछ बोलूँगा कि ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है और यूज़ करने का प्रयास करना है जीएस पेपर 3 में, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें कि जो इस प्लेटफॉर्म का जो आप लोग उत्साह दिखा रहे हैं वो बहुत ही स्वागत योग्य है और मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है आप लोग के साथ हमेशा जुड़े रहने में। और मैं प्रयास कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म को एक चर्चा का माध्यम का रूप देने में। आप लोग जब कोई डाउट पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो मैं प्रयास करता हूँ जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने के लिए। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो दैनिक आंसर राइटिंग और जो भी चीज़ें हम डिस्कशन कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट और जो भी चीज़ें हैं यूपीएससी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से लेकर हर चीज़ का, ठीक है, बेसिकली कुछ हद तक ये मेरे सेलेक्शन पर भी निर्भर करेगा, लेकिन आंसर राइटिंग तो मैं वादा करता हूं कि ये हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे जारी रहेगी। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर आज के जो जीएस पेपर 3 से संबंधित है। और अगर आपने अब तक के पुराने वीडियो जो 25 दिन के हो चुके हैं नहीं देखे हैं तो कृपया एक बार उसे अवश्य देखें, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप देखेंगे हमारी क्वेश्चन की जो टफनेस लेवल है, जो चीज़ें हैं, जो क्वांटिटी है, जो समझदारी का लेवल है, वो चेंज होते जा रहा है। तो आज का हमारा प्रश्न है, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि भारत में वर्तमान समय में प्रचलित पूंजी और रसायन ग्रहण कृषि का एक विकल्प प्रदान करती है और क्या करना है आपको, विश्लेषण करना है, देखिए एनालिसिस करना है। एक दो चीजें मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं इस प्रश्न को। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू कैपिटल एंड केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर करेंटली बींग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एनालाइज। दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, यह जो टॉपिक है वो प्रिलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ZBNF जो प्रिलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना होगा। कर्नाटक में सुभाष पालेकर जी हैं, इन्होंने भारत में इसको शुरू किया, सुभाष पालेकर। और दूसरी चीज, आंध्र प्रदेश ने 100% जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है इसके लिए हामी भर दी है, यानी आंध्र प्रदेश अपने जो राज्य है आंध्र प्रदेश को उस पूर्ण रूप से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बेस्ड बनाने जा रहा है। तो दो तीन चीजें आप प्रीलिम्स के लिए इसको अवश्य पढ़ेंगे। ZBNF के बारे में भी आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अभी जो आज का आंसर राइटिंग है उससे मिल जाएगा। जो दूसरी बात है, देखिए प्रश्न में एंड वर्ड जो दिया है इसको हम बोलते हैं हमेशा टेलिंग वर्ड्स और पुछल्ले वर्ड हिंदी में बोलते हैं, विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं इस बात को समझाने का प्रयास करूं। तो देखिए विश्लेषण का मतलब है एक कथन आपको दिया है, आपको बताना है कि यार ये कथन से आप सहमत हैं किस हद तक, ठीक है। आप जनरली देखेंगे कई बार टिप्पणी करें लिखा होता है, ठीक है, इसके अलावा कई बार लिखा होता है मूल्यांकन करें, अलग अलग चीज से कीवर्ड एंड में हमेशा टेलिंग वर्ड्स रहते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि एक बार एक लेक्चर पूरा बनाऊं, जब मैं सिलेबस डिस्कशन कर लूंगा मेंस का, तो उसके बाद मैं टेलिंग वर्ड्स पे आऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों का करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड समय है और मुझे खुद की भी तैयारी करनी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा समय उतना हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि दैनिक रूप से कुछ ना कुछ नई चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिले। तो देखिए जो विश्लेषण कीजिए का मतलब आपको समझना है कि ये जो कथन दिया हुआ है आपको कथन के बारे में बताना है कि कथन इस वजह से सही है, साथ में आपको चुनौतियों का भी बताना है। इसका मतलब यही होता है कि चुनौतियां क्या हैं, ये जो कथन है ना, इस कथन में चुनौतियां क्या हो सकती हैं आपको वो बताना है, ठीक है। जब मान लीजिए प्रश्न में देता है मूल्यांकन कीजिए, यही प्रश्न में देता कि मूल्यांकन कीजिए, तो आपको क्या करना होता, ZBNF के पक्ष में तर्क देना होता और विपक्ष में तर्क देना होता। विश्लेषण कीजिए का मतलब, एनालिसिस कीजिए का मतलब, कहने का मेरा मतलब ये है, आपको ये बताना है कि बिल्कुल जो बात है वो तो सच है, उसके पक्ष में तर्क आपको देना है, लेकिन विपक्ष में तर्क न लिखते हुए वही चीज जो कंटेंट विपक्ष में तर्क होता उसी को हम कैसे लिखते हैं, चुनौतियों के संदर्भ में,
कि ये चुनौतियां उत्पन्न है और इन चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, विश्लेषण कीजिए, जैसे जब एंड वर्ड्स आते हैं, टेलिंग वर्ड्स आते हैं, इसका आंसर स्ट्रक्चरिंग आपको बेसिकली इस पे फोकस होके करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं प्रश्न का दृष्टिकोण क्या होगा। तो देखिए, दृष्टिकोण में सीधे सीधे आप ZBNF को समझा दें, क्योंकि ZBNF की डिफिनेशन नहीं पूछी है प्रश्न में और ना जनरली लोगों को ZBNF पता होता है, तो इंट्रोडक्शन में हम ZBNF समझा देंगे। मुख्य भाग में क्या बताना है, सीधे सीधे प्रश्न की मांग है कि वर्तमान में प्रचलित पूंजी और रसायन गहन कृषि का एक विकल्प है, ये वो बताना है आपको। मुख्य भाग में आपको ये बताना है कि ये विकल्प है, कैसे है, और निष्कर्ष में आपको बताना है कुछ चुनौतियां जिनका कि समाधान आवश्यक है। ठीक है, जो मैंने वही कहा कि विश्लेषण कीजिए का मतलब होता है कुछ चुनौतियां जिनका समाधान आवश्यक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। और एक जो बात मैं बीच में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका सजेशन लेना चाहता हूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या जो मैं यहाँ पे आपसे बातें कर रहा हूँ, इसके साउंड में कोई आपको इश्यू आते हैं, सारा साउंड तो क्लियर होता है, या वीडियो क्वालिटी में कोई इश्यू आता हो तो कृपया मुझे अवश्य इस बात को बताएं। हालांकि मैंने YouTube पे स्वयं के वीडियो खुद से भी सुने हैं और मुझे ये सेटिस्फैक्ट्री लगते हैं, तो आप कृपया खुद से भी इन चीज़ों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें अगर आपको कभी कोई इशू होता है। तो देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, सीधे ZBNF क्या है वो बता दिया। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि जैविक कृषि का एक प्रकार है जिसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, गोबर, नीम आदि के उपयोग से कृषि की लागत शून्य करने का प्रयास होता है। बेसिकली मैंने क्या बता दिया भाई, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि है, यानी मैंने क्या बताया कि प्राकृतिक संसाधन जो स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं, उदाहरण के तौर पर गोबर, नीम आदि, और शून्य बजट नाम है, यानी लागत शून्य करने का इसका प्रयास है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में इस चीज को बता दिया। यहां पर आपको ब्रैकेट में ZBNF लिख देना चाहिए। क्यों लिख देना चाहिए, ताकि आगे जहां पर आपको शून्य बजट प्राकृतिक कृषि लिखनी होगी तो हम ZBNF से काम चलाते रहेंगे, पूरा इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 150 शब्द हमारे पास बहुत सीमित है, तो कृपया इसको बचा के यूज करें। अब मैं क्या करूंगा, ZBNF की जो विशेषताएं हैं वो एक फ्लो डायग्राम से अवश्य बना दूंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों को बताया नहीं गया, ZBNF के बारे में पूर्ण चर्चा नहीं की गई है, और ना ही प्रश्न की मांग है कि पूर्ण चर्चा करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से फ्लो डायग्राम में जस्ट ZBNF के बारे में बता देंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा, ZBNF विपस्या, विपस्या का मतलब होता है मृदा में नमी बनाए रखना, मृदा में नमी बनाए रखना, आप चाहें तो इसको बनाए रखना लिख दें आगे, ठीक है, मैं इस कलर को रेड कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। दूसरा बीजामृत, बीजामृत मतलब बीजों की तैयारी। अब बीजों की तैयारी कैसे करते हैं, तो इसको नीम में डुबोते हैं, पता नहीं क्या क्या 50 चीजें करते हैं, इसको आप प्रीलिम्स के नजरिए से अवश्य इस टॉपिक को तैयार करें। तीसरा है जैविक कृषि है, यानी शून्य रसायन कृषि है, जिसको बोला जाता है जीवामृत। एक हो गया बीजामृत, दूसरा हो गया जीवामृत, तीसरा हो गया विपस्या, और चौथा होता है मल्चिंग, मल्चिंग फसल अवशेषों से। तो ये जो चारों चीज का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसको बोलते हैं हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, बीजामृत, जीवामृत, विपस्या और मल्चिंग, ये प्रमुख अवयव है चारों ZBNF के। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान में रखना है, और जब प्रश्न पूछे, अगर ZBNF पे प्रश्न आता है UPSC में, जिसके बहुत सारे चांस है, क्योंकि वर्तमान न केवल पर्यावरण संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं विश्व में, बल्कि जो आप कह सकते हैं कि भारत में कृषक तनाव एक प्रमुख मुद्दा रहा है, तो ZBNF का प्रश्न आ सकता है। और अगर प्रश्न न भी आए ZBNF का, तो ZBNF का एग्जाम्पल्स आप, अगर आपको मान लीजिए प्रश्न में पूछे कृषक तनाव, भारत में कृषि तनाव बहुत बढ़ रहा है, और आप पेपर 3 का अगर सिलेबस देखेंगे तो कृषक तनाव का वहां पे वर्णन है, तो आपको सीधे बताना है एक सॉल्यूशन में ZBNF, ठीक है, क्यों, लागत शून्य है। अब देखते हैं हमारा स्ट्रक्चरिंग कैसा और आंसर लिखने का तरीका। तो देखिए मैंने क्या बताया, जो हमारा पार्ट पूछा था मेन भाग, वर्तमान में प्रचलित पूंजी और रसायन गहन खेती का विकल्प है, मैंने बस क्या किया, देखिए यहीं पे इसको कहते हैं आंसर राइटिंग का मेथड, यहीं पे मैंने इसको बाइफर्केट कर दिया। मैं चाहता तो ये पूरा लिखने के बाद वर्तमान में प्रचलित पूंजी एवं रसायन गहन खेती का विकल्प, ये लिखने के बाद मैं लिखता अलग से रसायन गहन और खेती का विकल्प, यहाँ पे रसायन गहन लिखता, यहाँ पे ZBNF लिखता, ऐसे लिखता, ठीक है, ऐसे अलग अलग चाहता तो अलग से टेबल बना के लिखता, फिर उसमें मैं 5 से 10 वर्ड्स को गंवाने का प्रयास करता। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो आपको तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप अब तक के 25 दिन देख चुके होंगे, क्योंकि वहां पे हमने ऐसे कभी शॉर्टकट चीजों का यूज नहीं किया है, और धीरे धीरे अब हम शॉर्टकट चीजों का यूज कर रहे हैं ताकि हम एक तरह से परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मानव विकास के चरण को भी आप देखेंगे, तो मानव विकास पहले परंपरागत होता है, परंपरागत के बाद एक आती है
उत्प्रस्थान की अवस्था, और उत्प्रस्थान के बाद जो चौथी अवस्था आती है, उत्प्रस्थान की ओर दूसरी अवस्था है, उत्प्रस्थान की अवस्था तीसरी अवस्था है, जो चौथी अवस्था आती है वो होती है परिपक्वता की ओर। ठीक है, तो हम मानते हैं कि हमारा मानव विकास परंपरागत रूप से जो आंसर राइटिंग करते थे, हम पैराग्राफ बना बना के और अलग अलग तरीके से आंसर राइटिंग करते थे, आधी चीज़ें लिखते थे आधी चीज़ें छोड़ देते थे, तो जो हम परंपरागत रूप से मानव विकास कर रहे थे, अब हम परिपक्वता की ओर बढ़ चले हैं। ठीक है, अब हम परिपक्वता की ओर बढ़ चले हैं, यानी अब हमारे आंसर राइटिंग में आपको ये चीज़ें दिखनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहीं पे टेबल बना दिया, बाइफर्केट कर दिया कि रसायन गहन कृषि का ये विकल्प कैसे है, और मैं दिखा रहा हूँ पॉइंट नंबर वन। मैंने लिखा मृदा उत्पादकता में हानि, उदाहरण के क्षेत्र पर, उदाहरण के तौर पर हरित क्रांति के क्षेत्र में। तो आपको पता होगा जो रासायनिक कृषि है वहाँ पे मृदा उत्पादकता में बहुत हानि हुई है हरित क्रांति के क्षेत्रों में, यहाँ पे मैंने दिखाया। यहाँ पे क्या बताया, उसके सामने विकल्प कैसे है, पूर्ण रूप से जैविक है अतः प्राकृतिक उत्पादकता बनी रहती है। आप चाहें तो यहाँ पे सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन मैग्नीशियम इनका नाम लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि मृदा की जो प्राकृतिक पोषण तत्व हैं, जो मृदा के प्राकृतिक उत्पादकता है उसको बनाए रखती है। मैंने नहीं लिखा है, इसका कारण वही है 150 से 170 शब्दों में कैसे लिखेंगे हर चीज, तो वो आपको खुद से सोचना होगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं क्या नहीं लिखना चाहते हैं। दूसरा मैंने बताया यूरिया आदि के कारण NO2 जैसी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे प्राकृतिक कृषि और आप देखेंगे भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका निभाता है हमेशा से, चाहे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो गैस है या फिर मीथेन है, इन दोनों से भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बहुत होता है। और सामने मैंने क्या बताया, प्राकृतिक एवं पूर्ण रूप से सतत है, ये बात बता दी। ठीक है, सीधे सीधे बता दिया कि भाई प्राकृतिक एवं पूर्ण रूप से सतत कृषि है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और इसके बारे में मैं पूरी तरह से शुरू में ही समझा चुका हूं, तो दोबारा यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने एक ग्राफ भी बनाया और दोनों की तुलना कर दी, क्योंकि मुझे विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना था, तो मैंने क्या बताया, देखिए उत्पादकता की तुलना कर दी। अगर आप रासायनिक कृषि को देखेंगे, ये जो नीचे वाला ये जो ग्राफ है ऐसे कटा हुआ है, ये रासायनिक कृषि का ग्राफ है। रासायनिक कृषि अगर हम समय के हिसाब से देखें तो शुरू में उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है, समय के साथ इसकी उत्पादकता घटती जाती है। रासायनिक कृषि की एक बड़ी समस्या ये है, जबकि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के साथ उल्टा होता है। शुरू में आप मृदा बनाते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं, मृदा की परत को उत्पादकता प्रदान करते हैं गोबर नीम की खली मल्चिंग के द्वारा, तो शुरू के कुछ वर्षों में मैक्सिमम देखा गया है कुछ जगह पे परीक्षण से कि 3 से 5 वर्षों में उत्पादकता शुरू में आपको थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन समय के साथ उत्पादकता बढ़ती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और रासायनिक कृषि का एक तुलना मैंने यहां पर कर दिया है ग्राफ से। ऐसा प्रयास आप अवश्य करें कुछ ग्राफ कुछ फ्लो डायग्राम बनाने का, जिससे सीधी बात है आपको एक दो नंबर, और एक नंबर आपको पता होगा कि जैसे कहा जाता है एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो बाबू, तो ये बात आपको समझना होगा। ठीक है रमेश बाबू, आप ये बात समझें कि आपको एक मार्क्स अवश्य ऐसे ग्राफ से बढ़ाना होगा। अब हम देखते हैं जो तीसरा पॉइंट है, अधिक लागत के कारण कृषक तनाव। ठीक है, सिंचाई बीज आदि मैंने बता दिया कि लागत क्यों अधिक होती है रासायनिक कृषि में। देखिए मैंने ये रासायनिक गहन का यहाँ पे रासायनिक गहन की तुलना कर रहा हूँ और यहाँ पर ZBNF, ठीक है यहाँ पे ZBNF बता रहा हूँ, तो आप इस बात को समझिए अधिक लागत है रासायनिक कृषि में और इसके कारण कृषक तनाव। तो देखिए ये जो कीवर्ड है GS पेपर 3 का मैंने बोला था आपसे शुरू में, ध्यान रखना है कीवर्ड, और कीवर्ड मैं कैसे डिफाइन करता हूँ GS पेपर 3 के सिलेबस से, तो सिलेबस का एक प्रमुख कीवर्ड क्या है, कृषक तनाव। तो मैंने बताया कृषक तनाव क्यों होता है, क्योंकि अधिक लागत होती है, आपको सिंचाई करना होता है, आपको बीज लाने होते हैं, ढेर सारी लागत होती है। लेकिन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, नीम गोबर एवं पूर्ववर्ती बीजों के प्रयोग के कारण न्यून लागत होती है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बेसिकली नाम ही है इसका शून्य बजट, यानी इसमें हमारी लागत शून्य के बराबर होने का प्रयास करते हैं, तो इस वजह से ये कृषक तनाव के मुद्दे का भी समाधान कर सकती है। चौथा, प्राकृतिक रूप से बीमा की अनुपलब्धता होती है, किसमें, रासायनिक कृषि में। जो रासायनिक और पूंजी गहन कृषि है इसमें आप देखेंगे प्राकृतिक रूप से आपको बीमा नहीं मिलता है, और प्राकृतिक रूप से मेरे बीमा कहने का तात्पर्य क्या है, जो हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रहे हैं वो नहीं, इसका मतलब है हमारा जो किसान होता है वो पूरी तरह से फसल पर निर्भर होता है, और मान लीजिए फसल में अगर टिड्डी लग गई, बारिश के प्रभाव में आ गया, ओला गिर गया, तो किसान पूरी तरह से चौपट हो जाती है, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, और आप देखेंगे कृषक आत्महत्या बहुत बढ़ रही है भारत में। लेकिन जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है वो इसका भी समाधान देती है, कैसे, ये एकीकृत कृषि है। मवेशी पालन करते हैं आप, देखिए मैंने उसको फ्लो डायग्राम से बनाया, मवेशी पालन करते हैं,
मवेशी पालन से आपको अपशिष्ट मिलता है गोबर, उस गोबर का आप यूज करते हैं खाद में, खाद से आप क्या करते हैं अनाज पैदा करते हैं पूर्ववर्ती बीजों के प्रयोग द्वारा, फिर आप उसको क्या करते हैं मवेशियों को खिलाते हैं, जो डंठल बची जो पराली बची तो पराली ये सब आप फेंकते नहीं हैं, और आप क्या करते हैं यहाँ पर एकीकृत कृषि करते हैं जिसको हम चक्रीय कृषि की अवधारणा कहते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली वो चक्रीय कृषि भी यहाँ पर करते हैं, इस बात को आपको अवश्य मतलब फ्लो डायग्राम से बनाने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर आप समझेंगे जो आंसर राइटिंग आज हमने की, यहाँ पर आप समझेंगे हमने फ्लो डायग्राम का प्रयोग किया है, यहाँ पे ग्राफ का प्रयोग किया है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर हमने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को समझाने के लिए भी फ्लो डायग्राम का यूज किया है। तो मैंने चार पांच चीजें बताई, एक दो चीजें आपको और कुछ समझ में आ रही हो तो आप यहाँ पे लिख दें। जैसे मैंने एक बताई कि पराली दहन और ये सब जो पर्यावरण क्षति की बहुत बड़ी समस्या है, आप कह सकते हैं इस पर वायु प्रदूषण टाइप की चीजें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वो चीजें यहाँ पर अनुपलब्ध है। तो मैंने मेन बॉडी को यहाँ पर कवर किया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि विश्लेषण करना है मुझे, कथन के तर्कों का विश्लेषण करना है जो कथन दिया हुआ है, तो मैं कुछ चुनौतियां भी बनाऊंगा। चुनौतियां फिर से लिखने का मेरे पास पैराग्राफ में टाइम नहीं है, तो मैं उसको क्या करूंगा फ्लो डायग्राम से बताऊंगा, क्योंकि 150 शब्द का आंसर था। तो मैं बताऊंगा इस जो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है इसके संदर्भ में अध्ययन एवं अनुसंधान की कमी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अध्ययन और अनुसंधान इस संदर्भ में नहीं हुए हैं, तो हमें पता नहीं है कि क्या भविष्य में होगा। उत्पादकता बहुत बढ़ रही है बहुत घट रही है, अधिक इसके बारे में हमें नहीं पता है। दूसरी बात, महाराष्ट्र आदि कुछ परीक्षण स्थल हुए हैं, वहां पर आप देखेंगे कि उत्पादकता में कमी भी दिखाई दी है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा, और ये आपको केस स्टडी आप देखेंगे अगर 2018-19 का आपने बजट अगर देखा होगा तो उसमें जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे बहुत चर्चा की थी, तो उसके बाद काफी ये न्यूज में रहा है, तो उसमें बताई गई कुछ जो चुनौतियां हैं। द प्रिंट आपने अगर देखा होगा, द वायर जैसे कुछ न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी निकाला कि भारत इस डायरेक्शन में बढ़ तो रहा है लेकिन क्या ये सस्टेनेबल होगा, तो उन्होंने कुछ चुनौतियों का भी उल्लेख किया था। तीसरी बात, सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की एक चुनौती है क्योंकि प्रारंभिक उत्पादकता हानि होगी। मैंने यहाँ पे ग्राफ से दिखाया आपको, शुरू में उत्पादकता इसमें कम हो रही है, अगर आप रासायनिक कृषि करते थे और आप सीधे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे आएंगे अचानक से ड्रॉप करेंगे तो उत्पादकता आपकी कृषि की घट जाएगी, तो उसकी हानि के लिए सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करनी पड़ेगी और ये एक चुनौती है। जो चौथी चुनौती मैंने बताई कि गोबर नीम के पत्ते इत्यादि की उपलब्धता, भाई आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए भी तो कुछ तो चाहिए ना, गोबर चाहिए नीम की पत्तियां चाहिए, ठीक है, ये चीजें आप कहां से लाएंगे, आपके पास गाय होनी चाहिए मवेशियां होने चाहिए इतने लेवल पे, मान लीजिए आपको बड़ी क्षेत्र में कृषि करनी है तो एक समस्या आ सकती है। तो मैंने ये बताया, अब मैं निष्कर्ष में उस समस्याओं का यानी चुनौतियों का कुछ समाधान लिखने का प्रयास करके निष्कर्ष दे दूंगा। तो मैं निष्कर्ष क्या लिखूंगा, स्पष्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता, जैसा कि मैंने बताया 2018-19 के बजट में निर्मला सीतारमण ने इसके संदर्भ में काफी पैसे अलॉट किए थे, एवं आंध्र प्रदेश द्वारा 100% ZBNF अपनाने के फैसलों से प्रोत्साहन के साथ साथ, तो मैंने बताया ऐसा कुछ हो रहा है, सरकार भी ऐसा कुछ कर रही है, इसके साथ साथ सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स SHGs, इसको शॉर्ट में SHGs लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है स्वयं सहायता समूह लिखने की, एवं कृषक उत्पादक संगठनों, इसको भी मैं FPOs ही लिख देता लेकिन मुझे लगा कि कई लोग को प्रॉब्लम हो सकती है FPOs ना समझ में आए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने इसको लिख दिया कृषक उत्पादक संगठनों के सहयोग से इस दिशा में कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा देखो एक एक किसान लागू करें इन चीजों को, उससे बढ़िया क्या करो, एक तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि बजटीय सहायता दी है और आंध्र प्रदेश ने घोषणा कर दी है कि हम 100% जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की ओर आगे बढ़ेंगे, इसके साथ साथ क्या करो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को इसमें जोड़ो और कृषक उत्पादक संगठनों को जोड़ो ताकि ये कदम हमारे अच्छे तरीके से हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, आपने आंसर राइटिंग की स्ट्रक्चरिंग समझी होगी काफ़ी ढंग से, आपको ये समझ में आएगा कि आपको कौन से कीवर्ड यूज करने हैं और कीवर्ड के सोर्सेस समझ में आए होंगे, कि आपको सिलेबस फिर से पढ़ना है, तो मुझे लगता है इन वीडियो से आपको कुछ ये फायदा हुआ होगा, साथ में एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का आपको टॉपिक पता ही चल गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इस बात को ध्यान रखें कि ज्ञान की नहीं बल्कि समझ की परीक्षा है, यानी ज्ञान समझा देना है आपको कॉपी पे। धन्यवाद।